आज मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ में ही स्पष्ट किया कि कोरोना की वजह से वर्चुअल कैबिनेट प्रारंभ हुई थी, आज के बाद वर्चुअल नहीं होगी, जो भी कैबिनेट होगी वो एक्चुअल ही होगी। ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बाहुधात प्रतिमा संग्रहालय, अद्वैत अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत की निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति आज, 2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। ये खंडों में और क्रमशः प्रारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी दिव्यता और भव्यता के बारे में भी प्रकाश डाला है। आज जो हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी पर रहते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो उनके परिवार के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके लिए भोपाल में अब एक आधुनिक सुविधा और सर्व सुविधा से युक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 50 बेड का अस्पताल भोपाल में जो पुलिस के लिए होगा उसको भी सैद्धांतिक सहमति आज प्रदान की गई है। जैसा आप सब लोगों को विदित है कि निवेश के लिए लगातार मध्य प्रदेश में लोग आ रहे हैं और हमारे पास अब जगह कम पड़ रही है, इसके लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यकता है कि हम नए क्षेत्रों को विकसित करें। अब प्रदेश में दो नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल के बगरौत गोकला कुंडी और सीहोर के बढ़िया खेड़ी, यहां 59.89 करोड़ की लागत की वित्तीय व्यवस्था आज कैबिनेट के द्वारा की है। इसमें अलग अलग खंडों में अलग अलग विषयों पर अलग अलग अंश के साथ में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा इस पर सहमति दी है। इसकी स्थापना के लिए लगभग औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ये सहमति दी है। इसमें 1650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और लगभग 1950 लोगों को इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाई गई है, कानूनों को सख्त किया गया है, जिससे कि हमारे यहां पर जो शिकायत आती है चोरी की, रॉयल्टी चोरी की, उसमें भी उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अगर पकड़ी जाती है तो रॉयल्टी की 15 गुना राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के दंड के रूप में और कुल रॉयल्टी का 30 गुना दंड लेने का भी प्रावधान है। अगर ये प्रशमन नहीं करता है तो दंड को 2 गुना करेंगे। वाहन मशीनरी की राजसात होगी। इसमें वाहन मशीनी जो खनिज रॉयल्टी जमा करेगा वो उसकी को भी विभाजित किया गया है, जो कि पूर्व के प्रावधानों से लगभग 2 गुना है। सबसे कम ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखा गया है, लेकिन उसके बाद के वाहनों पर 6 दुपहिया वाहन 2XL पे 50,000 रूपया क्षतिपूर्ति का, डंपर पर 1 लाख रूपया, 10 पहिया वाहन पर 2 लाख रूपया, 10 पहिया वाहन 3XL पे 2 लाख और 10 पहिया वाहन से अधिक पर 4 लाख रूपया, ये दुगना कर दी है जुर्माने की राशि। इसमें एक चीज और है कि
अभी तक ऋण पुस्तिका के माध्यम से सुपुर्दगी दी जाती थी, अब राशि जमा करेंगे अगर तो सुपुर्दगी दी जाएगी। सबसे कम ट्रैक्टर ट्रॉली पे 50,000 रूपये में रखी है, जबकि 2XL 6 पहिया वाहन पर 1,50,000, डंपर हाइड्रोलिक 6 पहिया वाहन पर 2 लाख, 3XL 10 पहिया वाहन पर 3 लाख, 4/6XL 10 पहिया वाहन पर 4 लाख, JCB 2 लाख, पोकलैंड 4 लाख, इस तरह से इसको भी विभाजित किया गया है। और अन्य उपकरण या और मिलते हैं, अन्य औजार मिलते हैं तो उनमें बाजार मूल्य का 10% इस तरह से रखा गया है। अपील कलेक्टर के यहां या कलेक्टर की अपील कमिश्नर के यहां भी करने का, इस तरह से अवैध माइनिंग रोकने के लिए आज बहुत कठोर निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए। लोक सेवा प्रबंधन विभाग में जो हमारे संचालित लोक सेवा केंद्र थे, तो वो प्रारंभ में जब लॉकडाउन हुआ था प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से 31 मई वाले में, उस समय ये हमारे केंद्र बंद रहे थे, तो इनको VGF की जो पात्रता थी इनकी उसको शून्य किया गया है। 3 माह की अवधि की इसमें समय सीमा में भी वृद्धि की गई है और इसके लिए इसको शून्य कर दिया गया है राशि को। शहरी समर्पित परिवहन कोष को निरंतर रखते हुए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के यादा UDTF मद को 80 करोड़ रुपए जो तालिका में दिया गया उसके अनुसार सहमति प्रदान की है। एक अन्य योजना जो काफी महत्व की है, अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना, जिसमें हमारे कई चीजें नगरीय निकायों में आती थी, अभी तक इसमें कुछ चिन्हित शहर और नगर पालिका ली गई थी, अब पूरे मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं को लेने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इसमें खासकर जल प्रदाय, सीवरेज, फीकल फ्लज प्रबंधन, जल संरचनाओं का नवीनीकरण, हरित क्षेत्र, पार्क विकास, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको लेने का आज कैबिनेट ने पूरे प्रदेश के जो हमारी अमृत 2 योजना आई है उसको अब सभी नगर पालिका उसमें लागू करने का चय किया है। इस प्रकार कुल योजना की राशि 11,680 करोड़ रुपया है, जो कि अमृत घटकों के द्वारा और राज्य शासन के द्वारा राशि अपनी इनको भी प्रदान की जाएगी। एक दूसरी लोक निर्माण विभाग का राष्ट्रीय राजमार्ग 92 भिंड इटावा जो है, इसमें केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत राज्य शासन की राशि के साथ में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण नाले के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति आज दी गई है, जो कि हमारे ग्वालियर के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किया है और इसके लिए अलग अलग राशि मंजूर की गई है। इसकी अनुमानित लागत 446 करोड़ 92 लाख रूपया है। इसके लिए अन्य प्रावधान भी किए गए हैं और ये फ्लाईओवर है पूरे शहर के अंदर, बीच में से स्वर्ण रेखा नाले पे से महारानी लक्ष्मीबाई समाधि के स्टेचू तक आएगा। नर्मदा बेसन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में एक अनुसमर्थन का मामला था, जिसको भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे यहां पर जो वाह बांधों के शुद्धिकरण जो होती हैं, काफी पुराने बांध हमारे यहां पर हैं, स्टेट टाइम के भी हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए DRIP योजना में हमने प्रथम चरण में बहुत अच्छा काम किया था और द्वितीय चरण के लिए भी 551 करोड़ जो पुराने बांध हैं उनके मरम्मत के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा 551 करोड़ की मंजूरी दी है। 3 विश्वविद्यालय, प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति गोवल ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से संशोधन अध्यादेश 2022 के आज अनुमोदित किया है। एक अनूठी योजना है जो मध्य प्रदेश चला रहा है, जो परिसंपत्तियों के निवर्तन का मामला है और आप सबको भी विदित होगा कि इसमें मध्य प्रदेश ने पहल की तो हमें काफी केंद्र सरकार के द्वारा सराहना मिली, यहां तक कि हमें बड़ी राशि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें लगभग 500 करोड़
किसी को कर्ज देते हैं 500 करोड़। हाँ, 500 करोड़ रुपया जीरो ब्याज पर केंद्र के द्वारा हमारी इस योजना के लिए लगभग पुरस्कार स्वरूप ही कह सकते हैं। हिंदुस्तान का एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की परिसंपत्तियों का निवर्तन किया है। ये आज जो आए हैं विषय, उनमें भोपाल की सेंटर प्लेस बैरागढ़ परिसंपत्ति निवर्तन का है। इसमें 41,63,063 रुपए में 100% राशि जमा करने के बाद में देने का कैब इसका अभी आज डिफर किया है भोपाल की सेंट्रल प्रेस, चूंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसकी बोली जो मैंने अंक बताए हैं इसमें आ गई थी, पर डिफर हुआ है। जबकि जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय पंचपति निपन एचआई निविदाकार सुधीर कुमार रावत की उच्चतम निविदा राशि रूपये 46,20,00,000 ये 100% राशि जमा करके देने का तय किया है। पहला डिफर है, दूसरा दिया है। इसी तरह से सतना का जो सतना बस डिपो थी उसको 62,62,00,000 में देने का 100% राशि जमा करके तय किया है। उज्जैन का जो अशोका मंडी मार्ग आगर रोड है उस पर विनोद मिल परिसंपत्ति में 8 और 9 का एकल भूम पार्सल को 19,40,46,000 में 100% राशि जमा करने के बाद देने का तय किया है। इसी तरह से सहकारिता विभाग की सहकारी सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र नागझिरी जिला उज्जैन स्थित परिसंपत्ति को 10,94,80,000 में 100% राशि तिलहन संघ की इस भूमि को देने का तय किया है। इंदौर में भूखंड पार्ट 1 क्षेत्रफल 2,000 वर्ग मीटर इसे 9,24,18,000 में देने का 100% राशि के बाद में तय किया है। वहीं उज्जैन के सहकारिता विभाग के प्रसंस्करण नागझिरी वही है क्या आ गया, ये दोनों आ गए नागझिरी। एक अन्य अधोसंरचना विकास से जुड़े विभागों के लिए सीधी भर्ती के लिए आज जो दो विषय आए थे, एक सीधी भर्ती के सहायक यंत्री का और उपयंत्री का, इसमें उपयंत्रियों के लिए पीईवी के माध्यम से भरने का की सैद्धांतिक सहमति दी, पर चूंकि सहायक यंत्री और उसके लिए गेट का विषय आया था, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, तो उन्होंने पुनः इसकी समीक्षा करने के लिए सीएस महोदय को अधिकृत किया। आज मुख्यमंत्री जी ने दो बात और बोली। 12 तारीख को फसल बीमा योजना का कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि हमारी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है, वो सरकार थी जिसने 4,000-5,000 कुल करोड़ रुपया किसानों के बीमा और कर्जा माफी के नाम पर कुछ भी नहीं किया और प्रदेश के अंदर, जबकि हमने अकेले बीमा में ही 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि किसानों को देने के लिए पहला और दूसरा मिला लेते हैं। तो जो काम आप देखते होंगे हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी न किसी योजना में और किसी न किसी मद में कभी गरीब को कभी किसान को राशि 1,000 करोड़ के रूप में हम डाल रहे हैं। वह कार्यक्रम 12 तारीख को फसल बीमा योजना का होगा। कल आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जैत में गए थे गांव का गौरव दिवस मनाने के लिए। आज उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा भी है कि सभी लोग अपने अपने गांव में गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे इंदौर ने मां अहिल्याबाई के जन्मदिन को मनाने का तय किया है, भोपाल में जब विलीनीकरण की तारीख थी उसमें भोपाल का मनाने का तय किया है, और विस्तार से उन्होंने इसको सभी के सामने रखा भी कि किस तरह से जब पुराने पुराने लोग जो गांव के थे उन्हें बुलाया और उनमें कितना उत्साह का वातावरण था। कई लोगों ने आंगनवाड़ी गोद ले ली, कई लोगों ने गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तो जब लोगों को उस दिन वहां बुलाया जाएगा गौरव के रूप में, तो लोगों के अंदर एक ओज और उत्साह और अहम स्वाभिमान भी आता है, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों को
करने के लिए आज उन्होंने सभी से कहा है कि अगली बैठक के पहले अपनी अपनी राय गांव की तारीख तय करके इस बारे में रखें। कुछ राहत है।